भाई अगर तुम्हें भी लगता है ना कि तुम्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम है और आसपास तुम्हारे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में कर रहे हैं, तो मैं एक तुम्हें अपना एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, ताकि तुम्हें हेल्प हो जाए। मैं फरीदाबाद से आता हूँ और माउंटेन व्यू में सिलिकन वैली में जब मैंने गूगल में काम स्टार्ट करा, तो जो मेरे पहले दो टीममेट्स थे वो दोनों MIT के थे। तो अब आप समझने की कोशिश करो, मैंने 10 साल क्रिकेट खेला, उसके बाद कोडिंग में गया मैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। दो MIT के लोग मेरे बिल्कुल मतलब राइट हैंड टीममेट्स बोल लो, या फिर प्रोजेक्ट पे हम एक काम कर रहे थे, बिल्कुल मेरे साथ दिन रात काम करते थे वो। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि भाई इम्पोस्टर सिंड्रोम किस लेवल पे जा चुका होगा, क्योंकि हमें हमेशा अपने ऊपर डाउट करने की आदत पड़ चुकी है और कंपैरिजन की आदत पड़ चुकी है। हम अपने आप से संतुष्टि नहीं है भाई, और ये इम्पोस्टर सिंड्रोम हर लेवल पे है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं होता, या मोदी जी को नहीं होता, या किसी और, भाई हर लेवल पे है, ये कभी जाने ही नहीं वाला है। इम्पोस्टर सिंड्रोम और कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि लर्निंग की बना लो। अब मेरे साथ जो MIT में लड़की काम करती थी वो इंटर्न थी, एक और हार्वर्ड का बच्चा था वो इंटर्न था, एक बच्चा कॉर्नल का था वो फुल टाइम था। अब ये चार पांच लोगों का ग्रुप जब देखता था मैं, तो इंटर्न से भी सीखने की इच्छा अगर आप रखोगे, एक तो ये आंसर है कि आप उस इंटर्न को देख 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 के भी ख़त्म होते रहो कि यार ये तो इंटर्न भी साला मेरे से बेटर है। जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हो ये थॉट्स आते हैं। बड़े बड़े कॉलेज से बच्चे आते हैं, बड़े बड़े बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो हमेशा डाउन फील होता है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा है उससे भी डाउन फील होता है। बट वहाँ पे अगर अप्रोच जो मैंने यूज़ करी, जो आप भी कर सकते हो, वो ये है कि उनसे सीखने वाली अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो, कि आप ये बोलो कि भाई आपको अगर एक्स्ट्रा आता है तो आप मुझे सिखा दो, अगर मुझे एक्स्ट्रा आता है मैं आपको सिखा दूंगा। सिखाने सिखाने के चक्कर में दोनों का ही फायदा हो जाएगा। तो जहाँ पे सीखने और सिखाने की बात आएगी वहाँ पे फायदा ही फायदा दिखेगा। सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, बोलना आसान है, ज्ञान पहलना आसान है, बट अप्लाई करना मुश्किल है। बट ये चीज़ मैंने अंडर ग्रेड में जब मैं लीड कोड की तैयारी करके इंटर्नशिप्स और फुल टाइम में अप्लाई कर रहा था, तब भी देखी है। बच्चे एक दूसरे की हेल्प ही नहीं करते, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है मेरे पे 5 ऑफर हो, मेरे पे 10 कंपनियां हो, मेरे पे सारी चीज़ें हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और यहीं पे उमंग भाई जो भी टिकटॉक में काम करते हैं, मैं और वो साथ बैठते थे, सब कुछ शेयर करते थे। ईमेल है, कौन सी कंपनी के इंटरव्यू आ रहे हैं, कौन सा कोडिंग चैलेंज आ रहा है, कहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, कौन से रिक्रूटर्स हैं, हर चीज़ शेयर करते थे। अगर उनके दिमाग में होता कि यार मेरे को नौकरी मिल जाए, आर्यन को ना मिले, तो दोनों का ही नुकसान हो जाता। मेरे दिमाग में अगर होता कि मुझे मिल जाए इसको ना मिले, दोनों का नुकसान हो जाता। फ़ायदा एंड में किसका हुआ? दोनों का। भाई अमेजोन में लग गया, मैं गूगल में लग गया, दोनों का ही इतना फ़ायदा हुआ कि भैया अलग ही लाइफ निकल गई। तो फ़ायदा यहाँ पे क्या है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम और कंपैरिजन से बेटर चीज़ ये है कि आप एक दूसरे से लर्न करो। आपको यस बहुत सारे कीड़े कीचड़ वाले लोग मिलेंगे जो शेयर नहीं करेंगे, आपको डाउन फील कराएंगे। बहुत सारे थे ऐसे कॉलेज में, हमारे लोग ऐसे थे जो कि उन्हें दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा आती थी तो वो ऐसे देखते थे कि चल साले तेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। ऐसे लोगों से आप दूरी मेंटेन करो, क्योंकि ये टॉक्सिक लोग हैं। बट जहाँ पे अगर ये बात आ जाती है कि अगर मैं इस बंदे से कुछ सीख सकता हूँ, तो भाई आप उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाओ कि भैया तुम मुझे सिखा दो। या फिर आपको अगर ज़्यादा आता है तो ये इच्छा रखें कि दूसरे आपसे सीख जाएं, कॉलेज के टाइम पे, जॉब में, कुछ जो भी है। और यही मेरे हिसाब से एक अच्छा तरीका नेटवर्क करने का भी, भाई एक दूसरे की हेल्प करना, वैल्यू प्रोवाइड करना, और इससे इम्पोस्टर सिंड्रोम से भी आदमी दूर रहता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को माने। और बहुत सारे मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आते हैं कि मैं डाउन फील कर रहा हूँ, मेरे को ये नहीं आता, ऑफर्स बड़े बड़े आ रहे हैं, लोगों के पास ऑफर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस चीज़ से मुझे दुख होता है। तो छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि भाई इस चीज़ को एक कोलैबोरेटिव एफर्ट में डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रादर देन एक कॉम्पिटिशन जो रखा हुआ है सारे इंडियंस हैं आपस के बीच में, वो एक गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। और अपने को साथ में बढ़ना है, सबका फायदा होना चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे उसी में सबका भला है। तो प्लीज़ मेरे भाई एक दूसरे की हेल्प करें।